Shanti. Om Shanti. Om Shanti. वैसे तो बाबा हम बच्चों को रोज प्यार से निमंत्रण देते हैं, आह्वान करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, शिक्षा देते हैं, श्रीमत देते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं। रोज की ली हुई पालना, प्रेरणा, संबंध को बहुत गहरा करता है। तीनों संबंधों का महत्व बताया। संगम युग की छह विशेषताएं सुनाई। सारे कल्प में कोई और समय ऐसा नहीं होता जबकि आत्माओं का परमात्मा से डायरेक्ट मिलन हो। हर 5,000 वर्ष के बाद कल्प कल्प के संगम में ये बाप और बच्चों का मधुर मिलन, अनोखा मिलन, अलौकिक मिलन एक ही बारी होता है। डायरेक्ट मिलन होता है। इस मिलन में प्राप्ति कितनी है, इस मिलन में सुख कितना है, इस मिलन का आनंद अनोखा है। बाबा के साथ हम बच्चों का परम पिता परमात्मा के साथ आत्माओं का मिलन, माता पिता के संबंध जुड़ते ही, क्योंकि परमात्मा पिता ने हमको अलौकिक जन्म दिया है ब्रह्मा माँ द्वारा। ड्रामा माँ की गोद में खेलने का, हीरो पार्ट बजाने का, अपनी विशेषताओं को विशेष बनाने का, अथवा जो भी गुण अथवा हमारे श्रेष्ठ संस्कार है उनसे पार्ट प्ले करने का बड़ा सुंदर चांस ड्रामा माँ की गोद में मिलता है। अब पहचान मिली है। ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ब्राह्मण हैं, और जब तक बच्चे नहीं बने, जन्म नहीं लिया, जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा? बाबा कहते हैं क्यों नहीं बच्चों को जिगरी याद रहती, हड्डी याद क्यों नहीं है? बेशक शिव की पूजा करते हैं, शिव पर जल चढ़ाते हैं, ओम नमो शिवाय कहते हैं, बाबा भी कह देते, शिव बाबा भी कह देते, परंतु जिगरी प्यार नहीं, याद नहीं। याद और प्यार का आधार है अनुभव। अनुभव अब भी होता है,
परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का अनुभव सिर्फ संगम पर है। वैसे सब दूसरे लोग बताते हैं कि तुम्हारा इस डेट, इस तिथि को, इस समय, दिन, दोपहर, शाम को जन्म हुआ। मरे तो दूसरे लोग बताते हैं फलाने दिन शरीर छोड़ा। परंतु इस अलौकिक जन्म की खूबी क्या है? हमने कैसे जन्म लिया, किस घड़ी जन्म लिया, बाबा की दृष्टि से हमारा जन्म हुआ, बाबा के वरदानों से हमारे में लाइफ आई, ज्ञान की संजीवनी बूटी सुंघाई, हम सुरजीत हो गए। कैसे हमारा जन्म हुआ? अगर एक एक से पूछे आप ब्राह्मण कैसे बने, तो हर एक अपनी कहानी सच्ची अपने आप बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। दूसरा सुनेगा, हाँ बताएगा इनका जन्म ऐसे हुआ, परंतु अपना अनुभव स्वतः किस घड़ी, किस वाइब्रेशंस में, किस एटमॉस्फेयर में, कौन सा वातावरण इतना सुंदर था, अचानक आए शांति के वातावरण में, आए प्रेम के प्रवाह में बह गए, आए बाबा की दृष्टि ऐसी पड़ी, दृष्टि मिलते ही नई सृष्टि हो गई, पुराना भूल गया, नेत्र खुल गया, आते ही ऐसी बाबा की सतगुरु की कृपा हुई, वरदानों की वर्षा हुई, सूखा बीज हरा भरा हो गया, जीवन में हरियाली आ गई, खुशहाली आ गई। पर यह सब तब है जब हमने शिव बाबा को पहचाना, साथ साथ ब्रह्मा माँ को पहचाना है। माँ के बगैर जन्म नहीं होता, और जन्म के बिना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं मिलता। बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, और ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, ब्रह्मा की संतान हूँ, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो नए जीवन की एक अनुभूति, जैसे कि छोटा बच्चा, परंतु जन्म के साथ ये बड़ा जरूरी है। जैसे बाबा ने आज कहा, देह तथा देह के संबंध को भूलना और एक सतगुरु को याद करना। भूले कब? जन्म हुआ है इसका सबूत क्या है? जन्म हो गया हमारा, उसका सबूत हम कैसे समझे? मैं सचमुच सच्ची रीति से जन्म हुआ है। लौकिक रीति से भी जन्म लेने पर पिछला भूल जाता है। कितनी भी धन संपत्ति हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, कितनी बड़ी डिग्री हो, कितना बड़ा परिवार हो, कितनी बड़ी अथॉरिटी हो, पिछला कुछ याद नहीं रहता। ये कुदरत का नियम है। तो ये कुदरत के नियम में हम कुदरत खुद कौन सी ऐसी रचना रचें अपने में जो पिछला भूल जाए, खींचे नहीं, विस्मृत हो जाए। स्मृति स्वरूप बनना है, परंतु स्मृति स्वरूप से समृति स्वरूप बनते हैं और विस्मृत होने से मुक्त हो जाते हैं।
विस्मृति आ गई ना, चीज होते भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद नहीं आएगी, खींचेगी नहीं। तो जब बाबा से नए जन्म का संबंध है तो पुराना मैंने, पुरानापन कहाँ तक भूला है? क्योंकि हर जन्म में बाबा ने कहा ये प्रकृति के नियम के अनुसार, ड्रामा के नियम अनुसार, हर जन्म में नाम, रूप, देश, काल, प्राप्ति, संबंध, समय, संपत्ति सब बदल जाती है। तो ये जो मेरा नया जन्म अथवा 84वां जन्म है, इसमें मुझे अभी तक अपने नाम की, नाम मान की, शान की, संबंध की कोई खींच है, कोई प्रभाव है, किसी भी प्रकार का बंधन है, जन्म का आनंद नहीं है, खुशी नहीं होगी। क्योंकि नया जन्म माना नाम भी बदले, रूप भी बदल जावे। तो रूप पर तो बाबा बहुत बहुत बारी ध्यान खिंचवाते हैं, तू देह नहीं है, तू देह से न्यारी आत्मा ज्योत स्वरूप है। तो हमको अपने आप को जब हम ब्राह्मण बने, बाबा से संबंध जुटा, मैं बच्चा बन गया, तो मुझे आत्मिक स्मृति और अपने देह भान की विस्मृति कितनी हो गई। स्मृति का स्वरूप बन गई मैं, आत्म स्वरूप, क्योंकि परमात्मा की संतान हूं, पिता की संतान हूं। तो जैसे ही पिता से, माता पिता से संबंध जुटा, माता द्वारा जन्म हुआ, तो माता पिता के जन्म लेते बच्चे के अंदर इनहेरेंट पर्सनालिटी संस्कार आते हैं, इनहेरिटेंस भी मिलती है, अधिकार भी मिलता है, साथ साथ माँ बाप का संस्कार भी मिलता है, संस्कृति अनुसार संस्कार मिलता है। रॉयल कुल में जन्म लेगा, स्वाभाविक रीति से संस्कार रॉयल होंगे। वॉरियर कुल में जन्म लेगा, राजपूत कुल में जन्म लेगा, एक स्वाभाविक रीति से बहादुरी होएगी। किसान के घर में जन्म लेगा, इंटरेस्ट उस प्रकार का होएगा, बेशक फिर और तरफ पिछले संस्कार भी काम करते हैं, परंतु एक स्वाभाविक रीति से। तो बेशक पिछला जन्म भूल गया, नाम भूल गया, तो हमको बाबा स्वरूप की स्मृति बार बार दिला रहा है, और नाम को भी, नामकरण संस्कार भी कर रहा है। क्योंकि एक होता है शरीर का नाम, दूसरा होता है वंशावली का नाम। कॉमन बात है, कोई वर्मा के घर में है तो वर्मा, श्रीवास्तव, पटेल, जो भी कुछ नाम होंगे ना, गुप्ता, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो नाम चला आता है। हम शिववंशी हैं, ज्ञान सागर की संतान। बाबा कहते मैं तुमको मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ, ज्ञान गंगा बनाता हूँ। उस अपने इस जो हमको जो अपना सरनेम है वो कितना याद रहता है, उसका हम कितना स्वरूप बन करके रहते हैं। तो संबंध जुटे तो साथ साथ अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहे तो नशा चढ़ा रहे, मैं कौन हूँ, विश्व कल्याणकारी की संतान हूँ। तो संस्कार में कल्याण का संस्कार, सद्भावना का संस्कार, शुभ कामना का संस्कार, स्नेह क्षमा का संस्कार स्वाभाविक ही आता जाएगा ना।
बाबा की हम मुख वंशावली ब्राह्मण के साथ साथ बाबा की दृष्टि में देह को पार ले जाने की शक्ति है, दृष्टि को दृष्टि बदल देने की, सृष्टि बदलने की शक्ति। तो जितना जितनी हमारी नज़र बाबा पर फिक्स है, ये दुनिया से नज़र उठती जाती है, कभी आकर्षित नहीं करती है दुनिया, कैसी भी वैभव वाली हो, कितने भी आकर्षण वाली हो, बाबा ने कहा ये खत्म होने वाली है, नई दुनिया नज़र आती है। और बाबा साथ साथ हमको स्वयं का दर्शन करा के टीचर रूप में, सत्यगुरु टीचर रूप में सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके स्वदर्शन चक्करधारी बना रहे हैं, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, त्रिलोकी नाथ बना रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा के मनुष्य देवता बनने की। तो कितना यह सुंदर सौभाग्य है कि सारी सृष्टि में जितने भी धर्म की आत्माएं हैं, बेशक माता पिता या परम पिता के साथ संबंध जुटा, क्योंकि घर बाबा लेके जाते हैं, लिबरेट करते हैं बाबा, इस समय आत्माओं को मुक्ति का वर्षा देते हैं, परंतु टीचर नहीं बनते, सदगति दे देते हैं, घर ले जाते हैं, परंतु टीचर के साथ जो संबंध है वो हम बच्चों का है। तो जितना जितना हमारा बाबा हमारा सत्य शिक्षक है, सत्य पिता तो है, सत्य शिक्षक है, उस शिक्षा में कितनी सच्ची शिक्षा हमको सत्य और असत्य का भेद बता के दे देते हैं। यानी पहली पहली शिक्षा, जैसे माँ बाप पहली टीचर माँ होती है, ऐसे बाबा हमको माँ बाप भी है तो टीचर भी है, तो हमको ये शरीर और आत्मा के भेद की समझ देते हैं ना, सत्य क्या है असत्य क्या है, आत्मा सत्य है शरीर असत्य है, शरीर विनाशी है आत्मा अविनाशी है, देह के संबंध सिर्फ पाठ बजाने के लिए है, सर्व संबंध बाबा के साथ है। आदि से लेकर के अंत तक हम कैसे पार्ट प्ले करते हैं, हमारा पार्ट क्या है और बाबा का पार्ट क्या है, हमारा पार्ट है सीखना, बाबा का पार्ट है सिखाना। और यह सीखने और सिखाने का पार्ट सिर्फ हम बच्चों का इस समय, जब बाबा शिक्षक बनता है ना, ये हमारा सौभाग्य है। नेचुरली हमारे अंदर आदि मध्यंत का ज्ञान मिल जाने से स्मृति आ जाएगी, हम आदि में कौन थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, हमारे में कितनी दिव्यता थी, गुण संपन्न बनना शुरू हो जाते हैं, सर्व गुण संपन्न। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनने की शिक्षा, मैनर्स गुण सारे टीचर्स द्वारा मिलते हैं। यूनिवर्सिटी बाबा ने आकर के खोली है और सारे यूनिवर्स का ज्ञान दिया है, तो हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मास्टर डिग्री लेने वाले हैं, विश्व महाराजन देवों के देव राजाओं के राजा बनते हैं। तो ऑटोमेटिकली बेशक माँ बाप है हमारे, परंतु बाबा टीचर बन करके
फिर हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बाबा हमारे लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते, टेस्ट आते हैं तो एग्जाम हमको देना है, किसी भी प्रकार के विघ्न आते हैं विघ्न विनाशक हमको बनना है, और विघ्न विषम विनाशक बनना बनते तभी हैं वो भी जब तक हमने पुराने देह के भान को जाने नहीं दिया। नया जन्म तो तभी हुआ जब पुराने को जाने दिया ना। विघ्न विनाशक गणेश जी को भी, ब्राह्मणों को भी जन्मदिन द्विज कहते हैं, और शिव जी की संतान गणेश को भी दूसरा जन्म देते हैं, ये निशानी रख दी है। शरीर वही है, ऊपर का हिस्सा बदल गया है। तो अभी भी हमारा बाबा ने कहा ये प्रकृति तो पुरानी है, वही मिट्टी है, मैल मिट्टी का बना हुआ शरीर है, परंतु विघ्न विनाशक बनना है, शिव जी के साथ हमेशा उनकी गोद का बच्चा बना हुआ रहे, विघ्न विनाशक करने वाले श्री गणेश बन करके रहे। तो ये जो सेंसेस है ना, इससे पहले बिना शिक्षा लिए अपने को बहुत क्लेवर, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, विद्वान, हर प्रकार से श्री श्री का टाइटल लेके बैठे थे। बाबा ने आते ही, क्योंकि अभिमान इतना था, मैं ही भगवान बन के बैठ गया, हर एक को अपने आप उसी पोजीशन में रखा, तो भगवान ने आते ही पहले तो ये जो सेंसेस है ना, जिसके कारण अभिमान भी था, भान भी था, अभिमान भी था, अहंकार भी था, देह का भान था, बाप की पहचान नहीं थी। गणेश को पहले अपने बाप की पहचान नहीं थी, अपने स्वरूप का भान था। कहानी तो ये हमारी है ना। परमात्मा को अंदर आने का हुक्म नहीं है, अभी परमात्मा आते हैं, हम बच्चों को लेकर अपने अंदर, हम दिल का दरवाजा खोल देते हैं, बाबा हमारे दिल तक पर विराजमान हो जाते हैं। तो अभिमान और अहंकार के कारण बुद्धि बहुत देखने में बड़ी श्रेष्ठ थी, परंतु बेमुख थे, और मान अपमान की फीलिंग जबरदस्त थी। करना तो चाहता हूँ पर नाक मेरी ऊंची रहे, मान शान मेरा ऊंचा रहे, अपना पुराना मान, पुराना शान, पुराना नाम, थोड़ी सी बात सुन के बड़े अपसेट हो जाते थे, या तो कानों से सुन के, सुनहरी कान तो थे नहीं, बर्तन तो गोल्डन था नहीं जो रत्न ठहरे, पत्थर वाले थे, कान सुन के ऐसी बात अंदर छप गई जैसे कि लोहे के ऊपर कोई चीज़ अंदर लकीर जम गई, गहरी चली गई, पत्थर के अंदर लकीर लग गई, छप गई अंदर, कोई किसी ने इंसल्ट की तो। दृष्टि से दोषी देखते थे, मुख से अवगुणी बोलते थे। तो भगवान ने कहा मैं तेरा तू मेरा बने ना, तो ये तेरा बदली, बस ये वाला बदली कर देता हूं, जाने दो इस देह के भान को, इस स्वरूप को, छोटी नाक जाने दो, बड़ी लंबी नाक कर देता हूँ। गणेश जी की नाक बड़ी लंबी है, छोटी चली गई, मान शान अपमान की, और इतना जो भी कुछ मिला, फिर भगवान इतना मान अपने आप मिला कि हाथी को कुछ भी दो ना, फौरन ऊपर महावत को दे देता है। प्राप्ति अपने पास नहीं रखता, प्राप्ति ऊपर दे देता है, ट्रस्टी बना देता है। देह भान में ग्रस्ती बन गए थे, ग्रस गए थे, कान पहले सुन के अपसेट हो जाते थे, अब नवा जन्म मिल गया, कान को पंखा लग गया, सुनी बात उड़ा दी, उड़ती उड़ती आई, उड़ती उड़ती चली गई। तो नाक बड़ी ऊंची हो गई है, किसकी संतान हूँ? ऑलमाइटी अथॉरिटी की, सर्वशक्तिवान की,
पतित पावन की, विश्व कल्याणकारी की, गति सदगति दाता की, यानी कितने उसके नाम, जितने उसके टाइटल उतने हमारे टाइटल हैं, कितने ऊंचे, कितना बड़ी पोजीशन दी है, तो नाम की तो कोई बात कमी नहीं, एक नाम नहीं, हजारों नाम के बालक का, मैं भी तो, मेरे नाम भी तो हजार है। नशा चढ़ा दिया तुम किसकी संतान हो, परंतु दृष्टि बड़ी महीन दी है, गणेश जी की आंखें बड़ी छोटी हैं, बहुत हर चीज को सूक्ष्म दृष्टि से अपनी चेकिंग करनी है। नशा होते नशा रूहानी रहे पर अहंकार ना आवे, निश्चय हो पर अभिमान ना आवे, हर एक बाबा के रत्नों को अंदर हृदय में छाप लो पर अवगुणों को समा के समाप्त कर दो, सागर की गहराई में चले जाओ। तो ये देखिए, मेरा नया जन्म जब हुआ है तो मेरे पास फिर संबंध जो विघन विनाशक बनने का मतलब, ज्ञान के आदि मध्यंत को जान लिया, ड्रामा को पहचान लिया, तो योग युक्त भी बन गए, पिछले विकर्मों को भी विनाश किया और अभी के समय जो भी विघ्न है वो ज्ञान बल से कटते हैं, समझ से कटते हैं, ड्रामा को साक्षी होकर के देखते हैं, बाबा को साथी बना लेते हैं, सतगुरु के साथ संबंध। तो सतगुरु का काम है पतित पावन, तो मेरा संबंध सतगुरु से कितना बना है, क्या मैं सचमुच पवित्रता की मूर्ति बनी हूं, यानी संपूर्ण पवित्रता, दृष्टि की, वृत्ति की, व्यवहार में, संस्कार में, स्वधर्म में, स्वकर्म में, अभी मेरा धर्म ही पवित्रता है, धारणा ही पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन है, जन्म ही पवित्रता के बल से हुआ है, कुख वंशावली नहीं है, मुख वंशावली है, ब्राह्मण धर्म है परंतु पवित्रता के आधार से हमारा धर्म है, पवित्रता ही हमारा धर्म है, और जहां पवित्रता है वहां सत्यता है, जहां सत्यता है वहां पवित्रता है, अगर सत्यता नहीं है तो पवित्रता नहीं है, भले कोई कितना भी सतगुरु हो परंतु अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो सदगति न खुद की न दूसरे की कर सकते। तो सतगुरु के साथ संबंध जोड़ना माना पिछले पाप कर्मों को भी भस्म कर देना, इतना तपस्वी स्वरूप हमारा। जिससे ऑटोमेटिकली तपस्या के बल से, योग के बल से विकर्म विनाश हो, और अभी बाबा की शिक्षा से हम कर्म श्रेष्ठ कर रहे हैं, विष्णु जी वाला स्वरूप भी हमारा है, टीचर के साथ संबंध भी है, तो तीनों संबंध का बैलेंस है, संबंध जुटा तो सिर्फ ज्योति बिंदु से नहीं, सत्य त्रिमूर्ति शिव से जुटा है, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण हम बने हैं, तो पवित्रता, ये पवित्र जीवन तो है परंतु पिछले विकर्मों को भस्म करना है, संपूर्ण पवित्रता, तो वो योग बल से शंकर का तपस्वी रूप, अव्यक्त रूप सामने आएगा ना, तो साकार और अव्यक्त दोनों का बैलेंस है। पढ़ाई टीचर द्वारा पढ़ रहे हैं तो लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा, चारों अलंकारों को धारण करने वाले, चारों सब्जेक्ट का अनुभव और अभ्यास कर रहे हैं, उसके पुरुषार्थ की प्रारब्ध सतयुग मिलने वाली है, परंतु अब भी प्राप्ति है ना सब चीजों की, ज्ञान स्वरूप अभी है, शांत स्वरूप अभी है, आनंद स्वरूप अभी है, अतीन्द्र सुख का अनुभव है अभी है, सतयुग में होगा वो हमारी नेचुरल नेचर हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट तो नहीं होगा ना, खुशी तब होती है जब कॉन्ट्रास्ट है, अभी हमको ज्यादा खुशी है, वहां सुख है, खुशी है, गुम हुई चीज वापस मिल गई, बिछड़ा हुआ मिल गया,
अपनी जो कमजोरियां थी उसको हटा लिया, कुछ प्राप्ति की, अपने में जो प्राप्ति होती है ना उसकी खुशी है। और बाबा के संबंध से जो मिलता है वो सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। फिर उससे द्वारा जो हम अभी श्रेष्ठ कर्म करते हैं बाबा के संबंध से, प्रकृति दासी हो जाती है तो प्रकृति का भी सुख है। इसलिए तन भी सुखी रहता है, मन भी सुखी रहता है, धन धन से भी संपन्न रहते हैं, संबंध में भी सत्यता और श्रेष्ठता रहती है। इसलिए यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी हैं। बेशक कहने में आएगा बाबा ने आज कहा रास 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 करने वाले तो प्रिंस प्रिंसेस होंगे, परंतु जो प्रजा होगी वो भी यथा राजा रानी तथा सुखी प्रकृति के द्वारा सब सुख का अनुभव होगा। पालना तो माता पिता से, राजा से ऐसी होगी जैसे माता पिता से होती है। वो प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से है। तो अभी का जो हमारा संबंध, तो हम अपने आप से देखें नए जन्म में, जन्म के साथ साथ पुराना खत्म कितना हुआ, मरे हैं कि नहीं मरे हैं। क्योंकि नहीं मरे हैं, अधमरे हैं तो भी बड़ा नुकसान काली वाली बात है, और मर के अगर भूत रह गया तो भी बड़ी नुकसानकारी बात है, पिछला न रहे। इतनी विस्मृति का ये बार बार, जब नया नशा है ना तो भी विस्मृति हो जाती है। तो क्या तरीका है भाई? एक तो जन्म हुआ इसलिए विस्मृति होती है, दूसरा नशा चढ़ता है ना जब ही, तब भी बातें भूल जाती हैं। दुनिया नशा चढ़ा के ना गम दूर करना चाहते हैं अपना, और हमको रूहानी नशा है। मैं किसकी हूँ, मेरा कौन है, क्या मुझे बनाने वाला है, क्या मुझे प्राप्त कराने वाला है, क्या मिल गया है, क्या से क्या बन गया हूँ, नशा बड़ा ऊंचा है। तो नशे से भी भुलाते भूल जाता है। तीसरी बात, कोई बात अगर दिमाग से नहीं उतरती है ना, कहते अच्छा कोई बात नहीं सो जाओ, उठेंगे देखें जाएगा। बच्चा भी कोई नई बात भूलता है ना तो प्यार से लोरी देके कुछ देके चलो सो जाओ थोड़ी देर, सोने पर भी भूल जाती है। तो हमको भी बाबा कहते हैं अच्छा आ जाओ मेरे धाम परम धाम में, इतना अशरीरी बन जाओ, बिंदु बन जाओ, उस बिंदु स्वरूप की स्मृति से वो जो तुम्हारी शक्तियाँ व्यर्थ जा रही थी ना, जो तुम कमज़ोर हो गए थे, व्यर्थ शक्तियाँ जा रही थी, ख़त्म हो रही थी, वेस्ट हो रहा था, क्यों क्या कैसे, वो क्यों क्या कैसे है तो याद नहीं भूलती है ना, क्यों आया, क्यों लग गई, क्या हुआ, तो क्या क्या करते करते कौवा बन गए, इसने कही उसने कही, पर चिंतन हुआ, कैसे हुई ये बात, किसने कही, कब कही, क्या कही बन गए। और रावण ने हमारा पार्टी चेंज कर दिया, विस्तार में गए तो। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु स्वरूप बन जाओ, मेरे धाम आके बैठ जाओ, मेरी गोद में आके विश्राम करो। तो जितना जितना फिर योग का अभ्यास उस बिंदु स्वरूप में स्थित हम हो गए, योग युक्त स्थिति में स्थित हो जाए, सतगुरु के साथ संबंध जुड़ जाए, सत्य धाम में बैठे हैं, तो सत्य की शक्ति परम सच खंड की शक्ति, सत्य धाम की शक्ति, सत्यलोक की शक्ति असत्य को भुला देती है। दे भान से न्यारे, प्रकृति के प्रभाव से न्यारे, वो ऑटोमेटिकली आकर्षण खत्म हो गया ना। ये जो सेंसेस हैं अभी काम नहीं कर रही, सो गए। वैसे भी देखेंगे प्रकृति के नियम अनुसार सेंसेस तो है ना, कान तो है, आंखें भी हैं, पर कोई सोए हुए हैं, कोई आया कोई गया दिखाई नहीं पड़ा, सो रहे हैं कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है तो सही, ऑर्गन्स तो हैं परंतु इनके प्रभाव से परे हो गए। तो ऐसे शांति धाम में जब हम बैठे तो ऐसे तो नहीं कि शरीर नहीं रहा, शरीर तो है पर मैं अशरीरी आत्मा हूँ,
अशरीरी, यानी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो अभी मेरा उसका जो आकर्षण शक्ति है ना वो समाप्त हो गई, या जो बार बार कोई दूसरी चीज का प्रभाव पड़ता था वो समाप्त हो गया, चीजें वही हो रही हैं। तो अशरीरी अवस्था जितनी जितनी बढ़ती चली गई उतनी उतनी आत्मिक स्थिति सोल कॉन्शियस बढ़ती चली जाती है। फर्क है अशरीरी और सोल कॉन्शियस। आत्माभिमानी, आत्मा ने अभिमान लिया और समझ लिया, निश्चय कर लिया मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के जो गुण है ना वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं, वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं बाबा से। जब देह के भान में है, बॉडी कॉन्शियस में है, तो जो हमारे ऑर्गन्स दूसरों से कम्युनिकेट करने में आत्मा ज़्यादा एक्टिव होती है, इस क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, तो सेंसेस जो हैं वो एक्टिव होती हैं दूसरों से कनेक्ट करने में, व्यर्थ अंदर चला जाता है। आत्मिक स्मृति आई, सोल कॉन्शियस हुए, तो देह भान में आत्मा के गुण काम नहीं कर रहे थे, देह की प्रकृति के गुण देह भान के का प्रभाव था, इसलिए गुण का प्रभाव कम हो गया था। सोल कॉन्शियस हुए तो आत्मा के गुण काम करना शुरू कर देते हैं शांति से। समझ आ गई, बुद्धि ने समझ लिया, तो शांति, धीरज, प्रेम, पवित्रता, सत्यता, वो सोल कॉन्शियस का अभ्यास होने से, वो एक्टिव होने से, फिर ये देह भान में रहते हुए व्यक्त से अव्यक्त स्थिति बन जाती है। फिर हमारा संबंध जैसे साकार बाबा के साथ, माता पिता के साथ संबंध, रूहानियत का संबंध जुटना शुरू हुआ, जितना जितना उतना उतना अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त बाप दादा से संबंध जुटा, आपस में फरिश्ते रूप का संबंध हो गया, वो रिश्ता बदल गया, भले वो ही हैं, संबंधी वो ही हैं, रिश्ता रूहानी है। संबंध के हिसाब से हम पार्ट नहीं प्ले कर रहे, सेवा के हिसाब से पार्ट प्ले कर रहे हैं। पहले संबंध है, माँ हूँ ना इसलिए मोह तो होएगा, बाप हूँ ना चिंता तो होएगी ना, धंधा दोरी है ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होएगी, उसका परेशानी तो होएगी ना, वो पार्ट प्ले किया परंतु संबंध के हिसाब से किया। अब भी बाबा कहते पार्ट, रिश्ता ही तुम्हारा पार्ट से भी बदल गया, संबंध से भी बदल गया, अपने आप से भी बदल गया, बंधन से भी मुक्त हो गए, बोझ से भी मुक्त हो गए, इधर गरुड़ पक्षी बन करके उड़ने लगे, विष्णु की सवारी बनी, उधर गणेश बने तो चूहा बन के बंधन काटना शुरू कर दिया, गणेश जी की सवारी चूहा है, बंधन कट गए, फरिश्ता बन के उड़ गए। तो जब सत अभ्यास आत्मिक स्थिति का, जितना जितना हमारा संबंध बाबा के स्वरूपों से संबंध से जुटता जाता है उतना उतना यहाँ के बंधनों से कटता जाता है, इतना अभ्यास पक्का होता जाए हमारा, ये जोड़ और तोड़ का संबंध है। जितनी जितनी लगन में पक्की होती जाएगी उसमें मगन होते चले जाएंगे, विघ्न खत्म होते जाएंगे, क्योंकि अभी पावर जो है उसी संलग्न होने की ना, उसमें लग गए तो संग भी तो बाबा का है ना, खाली लगन नहीं संलग्न है, उसमें जुटे हुए हैं हम, जुड़े हुए हैं। तो दिल की कोई भी बात होगी ना, अभी भारीपन है ही नहीं, क्यों, बाबा मेरा दोस्त है, खुदा दोस्त है, दोस्त जो है दिल की बात सुन करके दर्द मिटा देता है। टीचर है तो कहता नहीं तेरे को करना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु फिर कहता नहीं, दोनों बात करो, भले अपने आप से भी बात करो, कुछ भी बात है ना दूसरों से नहीं करो, क्योंकि वो कोई तेरे को कोई हल नहीं देंगे, हलचल मचा देंगे, क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, कन्फ्यूज कर देंगे, इसलिए मन ज्ञान नहीं है ना मनुष्यात्मा के पास, दुख दर्द
बताया, उन्होंने अपना दुख दर्द बताया, डबल दुख दर्द हो गया। गए थे देने और ही देने के लेने, लेने के देने, देने के बदले लेने लग गए, उनसे भी हिसाब किताब जुट गया। और ही अपनी चिंता तो छोड़ो, उनकी चिंता भी आ गई, व्यर्थ चिंतन चलने लगा, स्वचिंतन भूल गया। तो बाबा कहते हैं हाँ, शुद्ध चिंतन चलना शुरू, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो अपने आप से बातें करो, और अपने आप से बातें करते करते नेचुरली अपने आप से बातें करते बाबा ने जो दिया ना वो बातें करो। अपने से क्या बातें करो जो बाबा ने दिया है, मनुष्यों से बातें करते जो मनुष्यों ने दिया, क्योंकि सारा दिन मनुष्यों से क्या बातें करते हैं, जो कुछ उन्होंने दिया है। क्या दिया है? दुख दिया है, दर्द दिया है, चिंता दी है, परेशानी दी है, गम दिया है, दिया क्या है? जो दिया है वही अंदर चलता है। बाबा ने क्या दिया है? रोज दे रहे, भंडारा भरपूर कर रहे। तो फिर हम दिल से क्या देंगे? नेचुरली दिल से वाह बाबा वाह निकलेगा ना, प्यार देंगे रिटर्न में। नेचुरली जो है वो खुशी के आधार से हमारा संबंध जो होगा, अभी इतना ऊंचा इतना गहरा संबंध जुट गए जुट जाता है, जो अंदर बाबा से ही ज्ञान का मंथन भी चलेगा, रूरियान भी चलेगी, सारा दिन बाबा से ही बातें करते रहेंगे। तो फिर संबंध क्या है? संबंध है लेन और देन का। अगर लेन देन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, संबंध नहीं है। भले एक ही छत के अंदर रहते हो, एक घर के अंदर रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो या बाप बच्चा हो या बहन भाई हो, अगर गुणों का लेन देन नहीं है ना, जाते हम रहते तो वहीं हैं पर हमारा इतना रिश्ता ठीक नहीं है, रिश्ता मेरी बहन है पर रिश्ता ठीक नहीं है, मेरा भाई है पर हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, भाई फिर भी कहा रिश्ता नहीं है, क्यों? गुणों का लेन देन नहीं है, पॉजिटिविटी का लेन देन नहीं है, सुख का लेन देन नहीं है, प्रेम का लेन देन नहीं है, आनंद का वार्तालाप नहीं है। तो बाबा से हम जो लिया है, बाबा को रिटर्न में क्या दे रहे हैं? बाबा को खुद को तो नहीं चाहिए, बाबा खुश होता है सर्विसेबल बच्चों को देख के। तो आज बाबा ने कहा जो तुमको मिलता है ना, ज्ञान मिला है, गुण मिले हैं, शक्तियाँ मिली हैं, इनका दान करो। तो हम दाता के बच्चे हैं तो हम दान करें, विधाता के बच्चे हैं तो भाग्य विधाता ने जो विधि बताई है उस विधि से कर्म करें, क्योंकि ब्राह्मण है, विधि से कर्म करना है। तो संबंध का मतलब जो है, यानी जो बाबा के गुण कर्तव्य हैं, जो बाबा का तरीका कर्तव्य करने का है, जो उसकी युक्ति है, ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, तो युक्ति जो उसकी विधि है, उस विधि से कर्तव्य करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। ओम शांति।